ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कल तो मैंने नेक्टर इंस्ट्रक्शन डिस्कस की थी बाय द वे, बट जस्ट फॉर अ चेंज मैं ये चैप्टर 21 डिस्कस करना चाहता हूँ नेक्टर ऑफ डिवोशन का। सो चैप्टर 21 एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। सो इस चैप्टर का नाम है क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, दैट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर। और कल को डिवोटीज के साथ मैं डिस्कस कर रहा था ये, सो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वेल, भगवान कृष्ण में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और इनफैक्ट डिवोशन मतलब भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करना, उनका स्मरण करना, यही भक्ति है, नहीं और क्या है, और क्या भक्ति है। सो ऑफ कोर्स भगवान के स्मरण करने के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, वरना कैसे करोगे आप। सो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएं कि भगवान कौन है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएं। सो उसके लिए हमें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है। सो हमारे आचार्यों ने वैष्णव संप्रदायों में भगवान के बारे में सारे शास्त्रों से कलेक्ट करके, नाना शास्त्र विचार अनेक अनेपुनऊ, उन्हें सारे शास्त्रों से कलेक्ट करके भगवान कृष्ण के बारे में जो भी कुछ है वो एक किताब में कर दिया। ऐसे श्रीमद् भागवतम है, या नेक्टर ऑफ डिवोशन है भक्ति रसनवा सिंधु, इसमें मतलब इट्स ये जो किताब है ये बहुत ही कहते हैं अमेजिंग अचीवमेंट है, क्योंकि करोड़ों शास्त्रों से, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, सारे पढ़ के उसमें से जो भी कृष्ण के बारे में सब कुछ उन्होंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। सो हमें बस पढ़ना है, जैसे आप मतलब समझ लो कि गन्ने से रस निकाल लिया, फिर उसका मोलासेस बना दिया, फिर गुड़ बना लिया, फिर गुड़ खाना है बस, और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। सो भगवान कृष्ण के अनेक गुण है, करोड़ों गुण है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को पता है क्या एग्जांपल है? वो तो एक जनरल क्वालिटी है। So, करोड़ों गुण है, आप मुझे पांच बता दो, है करोड़ों मगर आप पांच बता दो। वो तो एक जनरल जनरल उसमें चलता है ना, सब कुछ करता है फिर भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते। ओके, एक गुण है, इसका नाम क्या है? क्वालिटी स्पेसिफिक होती है ना, है नहीं? ईश्वर हर एक चीज वस्तु में है, जो कि भगवान दया। ईश्वर, मैं ईश्वर की बात नहीं पूछ रहा, मैं कृष्ण की बात पूछ रहा हूँ। ईश्वर तो बहुत दूर रह गया कॉन्सेप्ट, मैं कृष्ण के गुण पूछ रहा हूँ। वृंदावन में ईश्वर ईश्वर की बात नहीं चलती। पॉइंट आपको ना बहुत बहुत जनरल तरीके से पता है, क्यों? क्योंकि आप उनको जानते ही नहीं, है नहीं? अगर मैं पूछूं मिस्टर मोदी के गुण क्या है, आप बता सकते हो? नहीं, क्या है गुण उनके, क्या है? ठीक है, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड है, इतना बता सकते हो, है नहीं? मैं उसके फ्रेंड से पूछूंगा तब वो स्पेसिफिक बताएगा, यहाँ भी ये थोड़ा मतलब जो भी whatever it is, he's maybe he's little gentle also, little cunning also, जो भी है specific चीजें। So idea, तो अगर भगवान से प्रेम करना है तो हमें specific जानना पड़ेगा भगवान के बारे में, general abstraction नहीं चलती। General चीजें तो general लोगों के साथ होती है, और specific चीजें प्रेम है, प्रेम में व्यक्ति स्पेसिफिक होता है, फिर समझने की कोशिश करता है कि वो व्यक्ति कौन है।
स्वरूपा गोस्वामी यहाँ पे वो स्पेसिफिक क्वालिटीज बता रहे हैं, स्पेसिफिक समझते हो ना आप, भगवान के वो गुण जो कि आप जो कि वही जान सकते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है, वो गुण तो ज्ञानी भी जानता है, उसके लिए प्रेम नहीं चाहिए। वो प्रेम 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 की दृष्टि से वो गुण दिखाई नहीं देता, वो तो ज्ञान की दृष्टि से पता लग जाएगा, सबको ही पता है प्रेम की दृष्टि से क्या गुण है। सो भगवान का कृष्ण का एक गुण है, सेवेंथ क्वालिटी है यहाँ पर 21st चैप्टर में, ही इज वंडरफुल लिंग्विस्ट। सो बहुत इसको खैर संस्कृत में कहते हैं इसको विविध अद्भुत भाषाविद, अद्भुत भाषा बोलते हैं वो। यस्तु कोविद एक्सपर्ट हैं, नाना देशायो भाषासु संस्कृत प्राकृतेषु च। सो अनेक अनेक देशों की भाषा बोल सकते हैं। सो अगर आपसे भगवान मिलने आएंगे तो वो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन टॉक इन इंग्लिश। किसी किसी वेस्टर्न डिवोटी को दर्शन देंगे तो क्या करेंगे, इंग्लिश में तो बात करेंगे। किसी बंगाली को दर्शन देंगे तो किसमें बंगाली में बात करनी पड़ेगी, वरना वो कैसे इंटरेक्शन होगी। सो ब्रज में भगवान ब्रज भाषा में बात करते हैं, रामायण में राम संस्कृत में बात कर रहे थे। तो जितने भी प्राकृत भाषा हैं वो भी उनको आती है, मतलब प्राकृत भाषा होती है एक होती है जनरल भाषा, मतलब हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये सामान्य भाषा होती है, और दूसरी होती है प्राकृत भाषा। प्राकृत मतलब तो उस भाषा का तो उस भाषा का अपभ्रंश, जैसे हिंदी है मगर हिंदी की प्राकृत भाषाएं बहुत हैं, जैसे यूपी की हिंदी अलग है, नहीं दिल्ली की हिंदी अलग है, पंजाब की हिंदी अलग है, राजस्थान की हिंदी अलग है, नहीं हमें हमें अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो उसको कहते हैं प्राकृत भाषा। तो वो भी कृष्ण को आती है, कृष्ण को सब कुछ आता है, ही इज गॉड। बल्कि भगवान को तो एनिमल्स की लैंग्वेज भी आती है, बर्ड से मंकी, भगवान तो मंकी को देते ही थे मक्खन, तो उनकी लैंग्वेज भी समझते हैं। भगवान सिर्फ एनिमल्स की नहीं, भगवान इन एलिमेंट्स की भाषा भी समझते हैं। वायु की भाषा होती है, अग्नि की भाषा है, आकाश की भाषा है, तो वो सुन लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। हमें लगता है सारी चीज़ें डेड हैं, डेड तो है मगर इनके अधिष्ठात्री देवता भी होते हैं, कंट्रोलर भी होते हैं ना इनके। सो भूमि का भी कंट्रोलर है, वायु वाटर का भी कंट्रोलर है, तो उनसे वो भगवान उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं। और प्रेम की भाषा भी आती है, नहीं दैट्स कृष्ण, इसलिए वंडरफुल लिंग्विस्ट हैं। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि किसी व्यक्ति को जानना है तो उसकी भाषा से समझ सकते हो, किसी व्यक्ति का चरित्र समझना है तो वो भाषा में झलकता है उसकी। सो अब ये नहीं कह सकते कि मेरी भाषा तो लो, मेरी भाषा तो नॉनसेंस है मगर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब सोचोगे वही आपके सब निकलेंगे। सो इसलिए जो शील व्यक्ति होते हैं उनकी भाषा की शैली भी अच्छी होती है, मगर जिसमें शीलता का गुण नहीं है उनकी भाषा की शैली भी खराब होगी, तो भाषा से पहचान सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अगर आपको बुद्धिमान लगना है तो कुछ बोलो मत, है नहीं, बोलोगे तो पता लग जाएगा कि ये मूर्ख है या बुद्धिमान है। सो इसलिए एक्चुअली चाहे आप अच्छे भी ना हो, अगर भाषा अच्छी हो तो लोग आपको लोग सोचेंगे आप अच्छे हो, यू सी दैट्स अ पॉइंट। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप अच्छे नहीं हो तो भाषा तो अच्छी कर लो, इतना शास्त्र जरूर कह रहे हैं, नहीं क्योंकि हृदय से अच्छा बनना तो टाइम लगता है, वो तो आपको पता नहीं कहीं जन्म भी लग जाए कुछ नहीं कह सकते। हार्ट को चेंज करना बहुत मुश्किल है, वो तो क्योंकि जितनी भक्ति होगी उतना चेंज होगा, मगर भाषा को तो ट्रेन कर सकते हो, उसको तो उसमें तो कल्चर ला ही सकते हो आप लोग, तो ये भगवान से सीख सकते हैं। कृष्णा भी ऐसे हैं, कृष्णा अपने दुश्मन से भी बहुत पोलाइटली बोलते हैं, दुश्मन से भी। सो जब कृष्णा कालिया, तो कालिया नाक में नाच रहे थे, कालिया पता है ना, भगवान के फ्रेंड्स को और मतलब तो आतंक मचा दिया था। सो भगवान कालिया को भी बहुत बहुत एड्रेस बिल्कुल पोलाइटली कर रहे थे, भगवान उसके सर पे नाचे और बिल्कुल ही उसको मतलब
मतलब उनको ऐसे हालत कर दी कि मरने वाला था। तो फिर कालिया ने कहा, भगवान आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो कालिया, तो भगवान ने कहा कालिया मेरा बिल्कुल मन नहीं था तुम्हें मारने का, मगर मैं क्या करूं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को तुमने हानि पहुंचाई, अब मेरे गायें मर गई। सो अब जब तुमने मुझसे माफी मांग ली है, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, मेरे थोड़ा कोई तुमसे द्वेष है, अब तुम जाओ और खुश रहो। यू सी पोलाइटली। सो इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में कि अपने मित्र से हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए और अपने शत्रु से तो जरूर मधुर वचन बोलने चाहिए, मगर उल्टा करते हैं हम। लेकिन मित्र से आप अगर कभी कटु भी बोल दो तो चलता है, मगर शत्रु से आपने कटु बोल दिया तो या तो आप मरोगे या वो मरेगा। सो इसलिए हर स्थिति में मधुर वचन बोलने चाहिए, दैट्स द आइडिया। मगर वो बोलने के लिए आपको अपना माइंड का कंपोजर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब क्रोध आएगा ना तो आप भूल जाओगे, भाषा भूल जाओगे अपने। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि जो जिसकी भाषा की शैली सही नहीं है, मतलब अगर आप, मतलब आप गुस्से में भी अगर किसी को गलत वचन बोल दो तो उसकी भी पनिशमेंट है, और उसकी सीरियस पनिशमेंट है, इनफैक्ट सीरियस पनिशमेंट है। अगर आपने किसी सुपीरियर को गुस्से में कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया तो उसकी पनिशमेंट है उसकी जीभ काट दो। वो ये वेस्टर्न वर्ड में सॉरी कहते हैं, सॉरी वॉरी नहीं चलता, पहले कुछ भी करके सॉरी बोल दो खत्म हो गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले पनिशमेंट थी सीधा जीभ काट दो इसकी, इसने बोला कैसे इसने। तो फिर बाकी लोग अपना ध्यान से चलते थे, नहीं मतलब कि मतलब टू टीच अदर्स एक एग्जाम्पल सेट होता था, तो ऐसे नहीं है कि भाई तो उसने कुछ भी कर दिया, सॉरी बोल दिया, ठीक है हो गया, सॉरी वॉरी उससे कुछ नहीं चलता। सो वंडरफुल लिंग्विस्ट है। सो ये ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को बोलने में, ट्रेन करना पड़ता है हमें इस तरह बोले कि लोगों को हमारे सत्य वचन हो, दूसरों के लिए हितकारी हो, प्रिय हो, दूसरों को उत्साह मिले भक्ति करने में, उसमें धर्म हो, लोगों को सीखने को मिले, इस तरह से बोलना चाहिए, चाहे आप डिवोटी से बोल रहे हो चाहे नॉन डिवोटी से बोल रहे हो। क्योंकि पता है क्या है, कभी कभी ना आपका चरित्र भाषा को प्रभाव डालता है, और कभी कभी भाषा भी चरित्र को प्रभाव डालेगी, देखना उल्टा भी होता है। आज बोलोगे ना आप कहोगे ठीक है क्या फर्क पड़ता है, मगर एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया आपके बोलने से। सो वर्ड्स हैव इम्पैक्ट ऑन अ माइंड। सो कृष्ण इज अ लिंग्विस्टिक है, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान गोपियों के साथ प्रेम की भाषा बोलते थे और देवताओं के साथ संस्कृत भाषा में बोलते थे, और जानवरों के साथ पशुओं की भाषा में बोलते थे। और ये क्या है, सिमिलरली इन द लैंग्वेज ऑफ कश्मीर प्रोविंस, कश्मीर में कश्मीर की भाषा, आप तो कश्मीर का क्या भाषा है, कश्मीर की कश्मीरी, वहाँ कश्मीरी बोलते थे। कभी कभी भगवान इसमें मतलब भगवान ने कश्मीर भी विजिट किया हुआ है, मुझे नहीं पता था कि भगवान नॉर्थ में गए, क्योंकि जनरली उनका डिस्क्रिप्शन आता है कि वो मथुरा वृंदावन द्वारका मतलब, और फिर नीचे मध्य प्रदेश हस्तिनापुर राजस्थान, बट ही वेंट अप ऑल्सो कश्मीर में। सो वहाँ पे कश्मीरी भाषा बोल रहे हैं और पैरट्स के साथ पैरट्स की भाषा बोल रहे हैं। एक डिवोटी कह रहा है भगवान को देखकर कि कृष्णा कितने एक्सप्रेसिव हैं। एक्सप्रेसिव समझते हैं आप लोग, अह पशु कीरेशु अपि अपभ्रंश रूपम कथम अजनी विदग्ध। भगवान बहुत विदग्ध है, बहुत क्लेवर है, बहुत एक्सपर्ट है, अपने आइडियाज को उनको एक्सपर्ट करना आता है, सर्व भाषाविद, सारी भाषा जानते हैं और सब कुछ मतलब सब कुछ बोलते भी हैं, मगर जनरली क्या होता है, जनरली जो बहुत बोलता है ना, भगवान बोलते एक्सप्रेसिव बहुत है मगर कम बोलते हैं। जनरली जो बहुत सारी भाषा जानते हैं वो जनरली क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा बोलता होगा, नहीं आप एक्सपेक्ट करोगे इतनी सारी भाषा आती है तो बोलता रहता होगा, बट ऐसा नहीं है, भगवान बहुत कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। इसलिए अगला गुण बता रहे हैं सत्य वाक, कृष्ण हमेशा सत्य बोलते हैं
और कम से कम बोलते हैं, मगर जो बोलेंगे उसमें सत्य होगा, और उसमें जहां सत्य है वहां गंभीरता है नहीं, जहां झूठ है वहां छोचलापन है, वहां तो ऐसे ही सुपरफिशियल चलता है। सत्य वाक उसका एग्जांपल दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार कुंती को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पांचों पुत्र वापस लेके आऊंगा युद्ध से, और भगवान ने उसको पूरी तरह फुलफिल किया। इनफैक्ट कुंती ने भगवान की प्रेस की कि एक दिन हो सकता है कि सूर्य ठंडा हो जाए, एक दिन हो सकता है कि चंद्रमा आग का गोला बन जाए, मगर भगवान का प्रॉमिस कभी फेल नहीं होता है। कृष्ण ने भगवद गीता में क्या प्रॉमिस किया है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा डिवोटीज कभी भी, मेरे डिवोटी का कभी भी हार्म कोई नहीं कर सकता, वहां ने प्रॉमिस किया। सो फिर टेंशन की क्या बात है, टेंशन की बस ये बात है कि हमें डिवोटी बनने का प्रॉमिस नहीं तोड़ना है, बस उस डेफिनेशन पे खरा उतरना है, डिवोटी की डेफिनेशन। जब तक हम उस डेफिनेशन पे खरा उतरेंगे, भगवान कभी भी हमें छोड़ नहीं सकते, कभी भी हमारे प्रोटेक्शन नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण का प्रॉमिस है, कृष्ण अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, देख लो आप। भगवान का प्रॉमिस है कि जो मेरा नाम लेगा मैं उसको पर्सनली गाइड करूंगा, दामी बुद्धि योगम तम काय, नहीं कहा गीता में, भगवान का प्रॉमिस है। सो अगर हम उनका नाम लेंगे, भगवान पर्सनली गाइड करते हैं हार्ट में हमें, और इस कंफ्यूजिंग मतलब ये इट्स मैड हाउस ही कहूँगा इस संसार को, यहाँ ये तो मैड हाउस है। डिवोटी गाइड करते हैं कि कैसे इस संसार में नेविगेट करना है। सो कृष्ण ट्रुथफुल है, इनफैक्ट यहाँ पे ये आया, इनफैक्ट एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जब कृष्ण जरासंध के पास गए थे, पता है ना जरासंध को मारने के लिए कृष्ण भीम और अर्जुन तीनों गए थे, भेष बदल के गए थे। जरासंध भगवान मिलने गए भेष बदल के, और उसे बोला कि भी मुझे हमें चैरिटी में चाहिए, तुमसे फाइट करना है, और फिर भगवान ने रिवील भी कर दिया कि देखो हम ब्राह्मण नहीं है इसलिए हम फाइट करना चाहते हैं। तो जरासंध भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि ये कैसे ब्राह्मण है जो मुझसे फाइट करना चाहते हैं, और जरासंध ने फिर अर्जुन के हाथ में मार्क्स भी देख लिए थे, जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ना तो यहाँ मार्क्स पड़ जाते हैं एरो के और उसके वो के, तो भगवान ने क्लियर बोल दिया, भगवान ने कहा देखो जरासंध ऐसा है कि मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है, ये अर्जुन है, तुम्हारे दुश्मन ही है, मगर अभी हम तुमसे भिक्षा मांगने हैं, दान मांगने हैं, और हमने सुना है तुम दानवीर हो, दान करता था जरासंध भी, तो हमें दान में दे दो। तो जरासंध ने एक्चुअली अप्रिशिएट किया उसकी ऑनेस्टी को, भगवान की ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया, जरासंध ने कहा चलो ठीक है, मुझे तो पहले से हिंट थी और अब मैं क्लियर हो गया हूँ, मगर आप ऑनेस्ट हैं और आपने मुझसे दान मांगा तो मैं दान देता हूँ, विल फाइट। बट फिर जरासंध ने कहा देखो अभी मैं फाइट करूंगा मगर अर्जुन से नहीं करूंगा, ये तो ऐसे ही कमजोर टाइप का बंदा है, उसको तो तीर चलाना आता है, ये हाथ से कैसे युद्ध करेगा, और कृष्ण भगवान आपसे तो चलो मैं करना ही नहीं चाहता, ये भीम से करूंगा क्योंकि भीम थोड़ा तगड़ा लग रहा है। जरासंध में बहुत पावर थी, ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सन, मतलब कंस के इक्वल पावरफुल था जरासंध। सो इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य हो सकता है कि सत्य बोल के आपको लगेगा कि काम खराब हो जाएगा, मगर काम खराब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, ये काम खराब हो जाएगा सही भी हो जाएगा, चरित्र खराब हो गया तो कभी सही नहीं होगा, एक बार आप झूठे बन गए ना तो करोड़ों जन्मों तक झूठे बने रहोगे, और एक बार आपने सच बोल दिया और कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक हो जाएगी दोबारा से। मगर शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः, सुना है, तो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको लगे कि रिवर्सेस आ रहे हैं, जैसे पांडव है, पांडवों को 14 साल वनवास ही मिल गया, है नहीं मिला, नहीं मिला, गैम्बलिंग में हार गए, पता नहीं एक साल अज्ञात 13 साल और फिर एक साल अज्ञातवास जो भी हुआ, राम भगवान को वनवास मिल गया जस्ट बिकॉज वो सत्य पे टिके हुए थे, जस्ट बिकॉज दशरथ ने कहा कि भी मैंने तो केकई को प्रॉमिस किया था और मैं तोड़ नहीं सकता, और राम ने कहा भी मैंने तो अपने पिताजी को प्रॉमिस किया है और उनका संकल्प है तो मैं तो उसको तोड़ नहीं सकता, तो उसके लिए उनको इतना सब कुछ करना पड़ा। बट ये सारे शास्त्र ना महाभारत रामायण हम यही सिखा रहे हैं कि भैया आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए अपना चरित्र मत खराब होने, तो इन प्रिंसिपल्स को मत छोड़ो,
हो सकता है शरीर छूट जाए मगर प्रिंसिपल्स मत छोड़ो, क्योंकि ये जो शरीर है जो हड्डी मांस से बना है ये तो दोबारा मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। बट एनीवे कहना आसान है कौन सी बड़ी बात है, वो आपको खुद को रियलाइज करना पड़ेगा। मगर एक बार गंदगी आ जाएगी माइंड में तो कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हट सकती। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्य वादे का रस्ते, भगवान कह रहे हैं ठीक है फल का एम तो सभी करते हैं, ठीक काम तो सही होना चाहिए हमें पता है, मगर सही के चक्कर में जो काम कर रहे हो उसमें गड़बड़ मत कर दो, ये मत करो। कर्म को ठीक रखो, मेथड को ठीक रखो, गोल को अचीव करने के चक्कर में मेथड को मत खराब कर दो। हो सकता है गोल खराब हो जाए, मेथड मत खराब करना। धर्म को कभी मत छोड़ना, क्योंकि राम सोच सकते थे ठीक है चलो भाई अगर मैं थोड़ा सा संकल्प उनका भाव तोड़ दूं तो मतलब मैं राज्य भी कर लूंगा, सब खुश हो जाएंगे, भरत भी खुश हो जाएगा। भगवान को पता था भरत का तो प्लॉट है नहीं, मंथरा का प्लॉट है, मंथरा को मार देंगे कि कहीं को भी पता लग जाएगा हाँ भी चलो ठीक है अब सही हो गया, अब जो भी हुआ वो भी सेटल हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो कोई प्रैक्टिकल आदमी तो ये करता, सभी एडवाइस कर रहे थे, सभी राम के साइड थे अयोध्या वाले, सब दशरथ भी जिंदा रहते, कौशल्य भी खुश होती, केकई को बाद में समझ आ जाता यार मैं क्या गलती कर रही थी। और राम ने ऐसा किया क्योंकि राम गोल से डिसाइड नहीं कर रहे थे मेथड क्या होगा, राम मेथड से डिसाइड कर रहे थे क्या गोल मिलेगा। हम लोग पूरा उल्टा काम करते हैं इस दुनिया में, सब उल्टा काम करते हैं और उल्टी एडवाइस भी करते हैं। आप लोगों को यही एडवाइस करेंगे, यानी लैंडमार्क में यही एडवाइस करते हैं ना, गोल होना चाहिए, बिजनेस पैसे कमाओ, उसके लिए आपको जो करना करो, उसके लिए हम आपको ट्रेन करेंगे, उसके लिए आपको हम ट्रेन करेंगे कैसे चीटिंग करनी है, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी है ना, उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इससे बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर होना पड़ेगा। आपको इस चीज़ के लिए कन्विंस होना पड़ेगा कि एक लाइफ नहीं होती, अगर आप इसमें कन्विंस नहीं हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है नहीं। अगर आपको लगेगा यही लाइफ है भैया और यार सत्य बोलने के लिए मुझे 13 साल वनवास जाना पड़ेगा तो करोगे, भाड़ में जाएगा दो भाई तो बूढ़े हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं सोचते जो धर्म का पालन करते हैं। इसलिए धर्म और रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी का धर्म क्या है, पति की सेवा करना। और हम शास्त्रों में देखते भी हैं कि पति गंदा होता है, कभी भी इतना क्रूअल होता है, फिर भी पत्नी सेवा करती रहती, करती नहीं रहती। मगर आजकल की किसी लड़की को बोलो ये क्या बकवास है मेरे लिए डाइवोर्स कर देंगे, क्या वो गंदा है तो हम सहते रहेंगे, हम भी तो कुछ हैं। बट दैट्स ऑल माइंड, वो धर्म नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ऐसा करने से वो इगोइस्टिक बन रही है और वो गंदी क्वालिटीज आ रही है। फ्रीडम की फ्रीडम हमेशा अच्छी नहीं होती, गंदी क्वालिटीज। अगर बच्चे कहें पापा मम्मी गंदा बोलते रहते हैं हम क्यों सेवा करें, बकवास भाड़ में जाए। सो ठीक है, हो सकता है कि पापा मम्मी गंदे हों, मगर एक्चुअली वो जो उसमें भावना आ गई ना कि मैं किसी के अंडर नहीं रहूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, वो उसको ऐसे बच्चे फिर आगे जाके लफंगे बनते हैं, बनते नहीं बनते वो, जैसे वो नहीं होते क्या कहते हैं मैं टर्म भूल गया, ये तो पिक क्या कहते हैं हीरो हीरो, ऐसे बच्चे हीरो बनते हैं सो कॉल्ड बम्बई के क्या कहते हैं उसको सड़क छाप टाइप के लो ऐसे ही बनते हैं। हम माइंड से नहीं चलते, हम धर्म से चलते हैं। और धर्म का मेन लिमा सत्य, मेन जो पिलर है धर्म का सत्य है, सत्यम परम धीमहि, शास्त्रों में लिखा है नहीं, है नहीं क्या है क्या कहते हैं सत्य विजयते, कैसे कहते हैं हाँ क्या है हाँ सत्यमेव विजयते, नहीं कहते नहीं कहते हैं। सो दैट्स द आइडिया, सत्य क्या है, सत्य है शास्त्रों की वाणी। बस हमारा मन जो भी कहेगा झूठ बोलेगा, गलत बोलेगा, तो हमेशा हर कंडीशन में भैया शास्त्रों को फॉलो करो। हो सकता है आपके पल्ले ना पड़ रहा हो लॉजिक, वो मत करो, तो शास्त्र कह रहे हैं करते रहो। अल्टीमेटली आप देखना कि अल्टीमेटली बेनिफिट होगा,
फाइनली. सो इसको कृष्ण में क्वालिटी है ट्रूथफुल, भगवान में क्वालिटी है और जो जिसमें जो अच्छा बोलता है, जिसका चरित्र अच्छा है और जो हमेशा सत्य बोल रहा है, नहीं वो हर एक के लिए प्रिय होता है, नहीं? इसलिए नेक्स्ट क्वालिटी है भगवान की, प्रियम मदहा. हर एक के लिए प्रिय होता है और वो भगवान में क्वालिटी एक तो हर एक के लिए प्रिय है और दूसरा है कि वो हर एक से प्रिय वचन ही बोलेगा, हर एक से प्रिय वचन बोलता है. इसलिए इसको कहते हैं प्रियम मदहा. जने कृत अपराधे अपि शांतपवादी प्रियम मदहा. कृष्णा 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 अगर कोई अपराध भी करता है कृष्णा के प्रति तब भी उसे प्रिय तरीके से बोलते हैं. कोई भगवान को गाली देगा उसे भी प्रिय तरीके से बोलेंगे. भगवान का दुश्मन भी होगा उससे भी प्रिय तरीके से बोलेंगे. इनफैक्ट इफ यू रीड बाइबल, बाइबल में लिखा है कि तो क्राइस्ट कह रहे हैं अगर कोई आपको हेट करता है और वो आपके सामने आए तो उसको प्रेम करो. अगर दूसरी बार आ जाए आपके सामने तो उसको और प्रेम करो. अगर तीसरी बार आ जाए तो उसको गले से लगा दो. गले से लगाने अब ये आप लोग नहीं कर पाओगे आजकल, नहीं आप भी नहीं कर पाओगे आजकल, तो छोड़ दो. हाँ नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ऊपर उठना पड़ता है. इसके लिए अपने विचार, अपना चरित्र बहुत ऊपर उठाना पड़ता है. ऐसे जो कमीने लोग नहीं कर सकते हम जैसे लोग, इनका चरित्र बिल्कुल जमीन पे है, हम नहीं कर पाएंगे. नहीं आप, आपको कोई गाली देगा आप उससे बोलोगे, आप शक्ल भी नहीं देखोगे, आप देखने नहीं चाहोगे, आप कहोगे नहीं नहीं मैं बस नहीं बोलूंगा. वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है. और फिर क्राइस्ट ने कहा कि अगर 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 कोई एनिमी है आपका तो उससे प्रेम करो, और अगर कोई आपको मारने आए तो उसको सरेंडर कर दो. दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम. क्योंकि हमें पता है ना कि हमें पता है भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा. भगवान की इच्छा नहीं होगी, अगर भगवान नहीं चाहते हम मरेंगे तो हजार लोग आ जाए ना राइफल लेके तब भी नहीं मरोगे. अब भगवान चाहते हैं मर जाएंगे तो बाथरूम में स्लिप होके मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, लेटे लेटे ही मर जाओगे, टाइम हो जाएगा. सो पता है धर्म पालन करने के लिए ना कन्विक्शन चाहिए होती है, ये सारी कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक लाइफ नहीं है, भगवान कंट्रोल में है. और ये कन्विक्शन कैसे आएगी, जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान से अट्रैक्ट होंगे तो भगवान की बातों में भी विश्वास आने लगेगा. नहीं हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात तो फॉलो करेंगे. कृष्णा प्रियम वदें, कृष्णा अपने एनिमी से भी प्लीजिंग बोलते हैं. और ये अच्छी नीति भी अच्छी है, पॉलिटिकली भी अच्छा है. नहीं अगर आप वैसे देखो चरित्र भी अच्छा हो पॉलिटिकली भी अच्छा है कि आप एनिमी से आप गंदी तरीके बोलोगे तो और एनिमिटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो जो अच्छी जो धर्म है ना, धर्म आपको नीति में भी हेल्प करेगा, पॉलिटिकली भी हेल्प करता है, मोस्टली आपको हेल्प कर जाएगा देखना. और धर्म से नहीं चलोगे तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब हो जाएगी सारी आपकी. सो प्रियम मदा, इनफैक्ट भगवान ने कालिया को बोला था, यहाँ पे कोट कर रहे हैं, भगवान कालिया को बोल रहे हैं. भगवान ने कालिया को बोला, मतलब कालिया को मार रहे हैं वहाँ, यू कैन इमेजिन. और कालिया ने भगवान के फ्रेंड्स को मार दिया, काउस को मार दिया. अब भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान ने सब नाच लिया और सब कुछ उसको पेल दिया सब कुछ. भगवान उसके बाद बोल रहे हैं माय डियर किंग ऑफ स्नेक्स. भगवान बोल रहे हैं मेरे प्रिय कालिया. मतलब दूसरा का भाई मेरे को तो अभी मार दिया, मुझे ऐसा मतलब वो कह रहा है मतलब मुझे दुश्मनी निकाल रहे हैं कर रहे हैं. तो भगवान बोल रहे मेरे प्रिय कालिया, चाहे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया है मगर तुम मुझसे दुखी, मुझसे क्रोध मत करो मुझ पे, अब मुझसे रूठो मत, क्योंकि मेरा धर्म था अपने भक्तों की रक्षा करना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा. मुझे अपने गाय और अपने दोस्तों की रक्षा करनी थी, मैंने प्रॉमिस दिया है न मे भक्त प्रणश्यति, तो मुझे करना पड़ा. और इसलिए उनको बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा. मुझे उनको बचाने के लिए तुम्हें ऑर्डर भी देना पड़ रहा है, यहाँ से निकल जाओ. मैं कहूँ अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, मगर ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है. सो व्हाट डू यू डू, मतलब अगर कोई ऐसे बोले तो
मतलब आपको पीट के कोई बोले भैया दुखी रोस्ट मुस्ट मत, मुझसे क्या करूं मुझे, और मेरी ड्यूटी थी, क्या करना है, करना पड़ रहा है। सो ठीक है, दैट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान अननेसेसरली क्या कहते हैं उसको, मक्खन लगा रहे हैं, नहीं कि चलो भाई ठीक है हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, भगवान ने लॉजिक भी दिया, सही लॉजिक दिया कि भी मैं तुमसे द्वेष नहीं निकालना था, ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। मैं क्या, मेरा धर्म है अपने भक्तों की रक्षा करना, मैं क्या करूँ जब तुम मेरे भक्तों को तंग करते जा रहे हो फालतू में, वो भी फालतू में। सो प्रॉपर लॉजिक भी है। सो हम प्रिय बोलते हैं मगर उसके साथ साथ हम फ्लैटर नहीं करते किसी को, ये फ्लैटरी नहीं है, वो अलग बात है। नहीं, प्रिय बोलना, फ्लैटरी करना, हम लोग जनरली चापलूसी करते हैं, हम लोग प्रियता को चापलूसी समझते हैं। नहीं, भगवान ने कहा मैं तुमसे अच्छी तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं तुमसे अच्छी तरह बोलने में, मगर जो मैंने किया वो मेरी ड्यूटी थी, मैं क्या करूँ। अब तुम ही बता दो क्या सॉल्यूशन था। सो पीपल कैन अंडरस्टैंड यू नो कि क्या चल रहा है, फ्लैटरी नहीं है, क्या करें। सो भगवान ने अपना काम निकालने के लिए नहीं बोला प्रिय, भगवान ने पनिशमेंट भी दिया और फिर ठीक भी बोल रहे हैं। सो क्या है मतलब, आप पॉइंट क्या है कि अगर कोई गंदा आदमी है आप उसको कुछ बोलोगे तो वो तो है ही गंदा, आपने भी अपना मुंह गंदा कर लिया, आइडिया ही ऐसे है ना। सो वी शुड लर्न फ्रॉम कृष्णा इस तरह से। और कृष्णा प्रिय बोलते हैं और बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, ये नेक्स्ट क्वालिटी है। वावादुक, इसको वावादुक बोलते हैं, फ्लुएंट। श्रुति प्रेष्ट उक्तिर अखिल वाग गुणान्विता वाक अपि इति द्विधा निगदतो वावदुक मनीषी भी। सो वावदुक वो व्यक्ति है जो जब बोलता है तो उसके हर शब्द में कुछ गहरा मतलब होता है, गहराई होती है उसके शब्दों में, और साथ साथ वो बहुत फ्लुएंट होता है, उसकी वाणी में गुण होते हैं, यूं कह लीजिए गुण है ना उसके शब्दों में। और दूसरा है कि श्रुति प्रेष्ट उक्तिर, और सुनने में बहुत फ्लुएंट होती है उसकी वाणी। मतलब फ्लुएंट वही होता है जिसके आइडियाज फ्लुएंट होते हैं, है नहीं? फ्लुएंट मतलब कि मतलब रुक रुक के नहीं बोलना, तो अगर कोई झूठा होगा ना वो रुक रुक के बोलेगा, है नहीं? वो जो तुमने क्या किया वो बताना नहीं चाहता तो सोच के बोलेगा मैं वहां गया और फिर उसके बाद ऐसा हुआ। नहीं, अगर आप सच्चे हो तो आप बोल दोगे मैं वहां गया और मैंने ऐसा किया। तो उसी क्योंकि भगवान सत्य बाक है ना, इसलिए वाह दुख भी है। फ्लुएंट बोलते हैं, रुकते नहीं, ही फ्लुएंट, जस्ट स्पीक्स इन अ फ्लो। और बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स, वही कृष्णा की क्वालिटी है। इसलिए पता है कभी पता लगाना होता है कोई झूठ बोल रहा है तो पता लग जाता है, अगर कोई फ्लुएंट नहीं है इसका मतलब झूठ बोल रहा है, रुक रहा है वो उसके बोल रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन कर रहा है वो, उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस सिचुएशन का, वो अपने कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ झूठ मूठ बना के बोलता जा रहा है, एज्यूम करके बोलता जा रहा है। नहीं, सो दैट्स पर्सन हु कैन स्पीक मीनिंगफुल वर्ड्स विद ऑल पोलाइटनेस एंड फ्लुएंटली इज कॉल्ड वावादुक, वावादुक। सो वैसे पता है क्या है, ये स्पीकिंग की आर्ट है, अगर आप फ्लुएंट नहीं बोलोगे ना तो लोग समझेंगे आपको आता नहीं, होता है नहीं होता है। रुक रुक के बोलोगे ना तो रुक रुक के मतलब ऐसा नहीं है कि आप पॉज नहीं दे सकते, रुक रुक का मतलब है कि आप अपने बीच में इंफॉर्मेशन को रोक रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो फिर लोग कहते हैं इनको आता ही नहीं, वो ऐसा लगता है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक्चुअली कॉन्फिडेंस स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस। आपको सब कुछ आता होगा ना और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कहेंगे ये बकवास है। अगर कुछ नहीं आता होगा कॉन्फिडेंट हो तो आप सबको अपने साथ ले सकते हो, और पॉलिटिशियंस ऐसे ही करते हैं। नहीं, सब सारे फ्लुएंट, सब फ्लुएंट होते हैं जो स्पीकर्स होते हैं, क्योंकि वो हम सच बोल रहे हैं भैया, ऐसे ही है, देख लो आप जाके। सो कृष्ण में क्वालिटी है, और ये सब करने के लिए आप प्रिय बोलो, फ्लुएंट बोलो, अनेक भाषाएं बोलो, चरित्र भी अच्छा हो, धर्म का पालन कर रहे हो,
भगवान का गुण है सुपंडित। सुपंडित मतलब होता है कि हाईली लर्नेड, विद्वान, नीतिज्ञ, ऐसा सुपंडित। पंडित वो है जिसमें दो क्वालिटीज हैं, जो विद्वान है, विद्वान मतलब जिसमें सारे शास्त्रों का ज्ञान है, और नीतिज्ञ है जो नीति जानता है। सो पॉइंट है कि शास्त्रों का ज्ञान होना एक तरफ है, मगर उनको अप्लाई करने की प्रैक्टिकल नॉलेज वो एक तरफ होती है, उसको कहते हैं नीति। नीति होता है उपाय, हाउ टू अप्लाई स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्र सबको आते ही है, मगर एप्लीकेशन नहीं आती। जिनको दोनों आते हैं, शास्त्र नॉलेज और एप्लीकेशन, विद्या और नीति, वही विद्वान होता है, वही पंडित है, वो पंडित है। सो शास्त्रों नॉलेज तो आपको पढ़ने से आ जाएगी, और नीति कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे सीखोगे आप, नहीं तो कैसे जियोगे आप, एप्लीकेशन कैसे आएगी, एप्लीकेशन आपको किसी के साथ रह के आएगी, इसको आती है, वरना नहीं आ सकती। यहाँ पे गुरु का रोल है, कह सकता है भी हम तो बुक खरीद लेंगे, गीता प्रेस की पढ़ लेंगे, सब अवेलेबल तो है नेट पे, क्यों लेक्चर सुनने आना है आपको, क्यों आना है यहाँ पे लोग लेक्चर सुनने, ठीक है पढ़ लेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़ के नॉलेज आ जाएगी, मगर एप्लीकेशन नहीं आएगी, क्योंकि शास्त्रों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, कब क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो बहुत मुश्किल है करना, और गलत चीज़ गलत टाइम पे एप्लीकेशन कर लोगे, उसको कहते हैं सुपंडित। That's सुपंडित। कृष्णा इस तरह सुपंडित है, भगवान को एग्जैक्टली पता है कब क्या चीज अप्लाई करनी है और किस तरह अप्लाई करनी है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग, दैट्स ये ट्रेनिंग का आइडिया है, नहीं दैट्स ट्रेनिंग। सो हो सकता है आपने मृदंग सीख लिया हो अच्छी तरह, आपको सारे बीट्स आ गई हो, मगर फिर भी हो सकता है आप नहीं बजा पाओ, जब बजाओगे ना कॉन्सर्ट में नहीं बजा पाओगे, क्योंकि कौन सी बीट कहाँ लगानी है आपको पता ही नहीं, वो गा रहा है उसमें कौन सी बीट लगानी है, वो एप्लीकेशन ही नहीं पता। बीट तो सारी आ गया, हम बजा लोगे अच्छी तरह, दिखा दोगे सब कुछ, बट वो एप्लीकेशन तो आपको जो कंसर्ट में बजा रहे हैं उनके साथ बैठ के फिर ट्रेनिंग लेके आनी पड़ेगी, वरना नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। सो कृष्णा सुपंडित हैं। कृष्णा ऐसे हैं कि भगवान को एग्जैक्टली पता है कि हमारे साथ कब क्या करना है, उनको एग्जैक्टली पता है किसके साथ अब ऐसा करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा और इसके लिए अच्छा हो जाएगा। सो और कभी भगवान एरर नहीं करते, कभी मिस्टेक नहीं करते, मिस्टेक तो हम करते हैं नहीं, हमें लग सकता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कहते नहीं लोग भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो तो वो भगवान को ब्लेम कर रहे हैं कि भगवान ने एरर कर दी, एक तरह से ये हो गया ना, भगवान ने मिस्टेक कर दी, तो वो तो इसका मतलब भगवान की डेफिनेशन ही समझे कि भगवान ऑल परफेक्ट है, सुपंडित हैं, वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। इसलिए कभी ऐसा कहना भगवान ने ऐसा क्यों किया, मतलब आप भगवान को ब्लेम कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो, भगवान के चरित्र पे आपने क्वेश्चन उठा दिया कि भगवान पंडित नहीं है, भगवान सत्यवाक नहीं है, नहीं ऐसा बोल के कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक्चुअली तभी बाइबल में वो मैंने सोची ना थी जॉब की, तो जॉब था एक डिवोटी, तो सब भगवान ने कहा चलो इसका टेस्ट लेते हैं, जो कली ने बोला कि ये ऐसे ही है ये, तो भगवान ने कहा टेस्ट ले लो, ये प्रॉब्लम नहीं, भगवान ने कहा मगर इसको मारना मत जान से, वो इतना करना, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बहुत अच्छा डिवोटी था, तो कली ने फिर उसको तो कली ने उसको उसको तो अपने खेत में गया था, कली ने खेत में आग लगा दी सारी, पूरा लॉस हो गया। तो उसके फ्रेंड ने आके कहा क्या तू इतनी भक्ति कर रहा है भगवान की, छोड़ दे क्या सब लॉस हो गया, उसने कहा मैं नहीं मैं छोड़ूंगा। कली ने कहा ये क्या है, तो कली ने फिर क्या किया उसके घर में आग लगा दी, घर के सब खत्म जीरो, उसके बच्चे वाइफ सड़क पे। तो फिर कली ने आके डिस्गाइज फ्रेंड के रूप में बोला कि तू अभी भी छोड़ दे क्या कर रहा है, मतलब सब लॉस हो गया, बाकी देखो जो नहीं कर रहे इतने खुश हैं। ने कहा नहीं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर कली ने कहा ठीक है, कली ने कहा सबसे प्रिय होते हैं व्यक्ति के उसके पत्नी और बच्चे, उसने पत्नी और बच्चों को मार दिया एक्सीडेंट में। तो फिर उसके फ्रेंड ने आगे कब तो तू लुटी गया, अभी भी सुन ले भगवान को छोड़ दे और मेरी बात सुन ले सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं भगवान को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो कली ने कहा सबसे प्रिय होता है व्यक्ति की उसके शरीर है नहीं, तो उन्होंने कहा इसको मैं हेल्थ खराब करता हूँ इसकी। तो कली ने उसको कोड़ कर दिया, पूरी बॉडी में कोड़ हो गया,
इतनी बदबू आने लगी, मतलब लोग 400 मीटर भी पास नहीं आते थे, मक्खियां आ रही थी पूरी पूरी पे। तो कली ने फिर आके कहा अब भी भगवान को छोड़ दे, अभी भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा मैं। उसने कहा भगवान को नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर वो बैठा रहा, सड़ता रहा, उसके शरीर गलता रहा, वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, फिर भी भगवान का नाम लेता जा रहा है। मगर एक दिन उसके माइंड में थॉट आ गया, भगवान से, भगवान आप मेरा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने इतना आपकी भक्ति की और तब भी मेरा ऐसा होता जा रहा है, सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही। तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा तुम्हारी तेरी हिम्मत कैसी है मुझसे पूछने की कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने भगवान पे क्वेश्चन उठा दिया ना, भगवान के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा दिया। क्या भगवान ने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने भक्तों का कभी भी नाश नहीं होने दूंगा, और उसने कैरेक्टर पे प्रॉमिस उठा दिया। उसने कह दिया भगवान आप झूठे हो, आप मेरा ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसे कि भगवान मूर्ख हैं, भगवान जानते नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को प्रोटेक्ट नहीं करते। भगवान ने कहा मैं वैसे तो बहुत खुश था, मगर मैं बहुत दुखी हूँ, गुस्सा हूँ तुमसे, तूने ऐसा कर बोला कैसे मुझसे। बट भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं तुम्हें इस अपराध के लिए माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुमने जो अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है इतने टाइम के लिए, उससे मैं बहुत खुश हूँ, और मगर आगे से ऐसा मत बोलना। एंड देन भगवान ने फिर सब उसका दोबारा से सही कर दिया, प्रॉपर्टी आ गई, बच्चे आ गए, वाइफ आ गई, सब ठीक हो गया उसका। कली इवेंट में सो यू सी द पॉइंट, अच्छे अच्छे डिवोटीज ही फेल हो जाते हैं जब टाइम आता है ना। अच्छे अच्छे अभी अभी तो आप सब भी बोल सकते हो कि हम कभी नहीं बोलेंगे भगवान ऐसे क्यों किया, भगवान तो बहुत अच्छे हैं, मगर जब टेस्ट आएगा ना तो आप ही सबसे पहले हो गए ये बकवास, कंठी माला पकड़ो, कृष्णा कुछ नहीं है, नॉनसेंस। वो आएगा वो अगर भगवान, वैसे आप लोगों का टेस्ट नहीं लेंगे, भगवान को पता है कि आप तो अभी फेल ही हो गए। मतलब टेस्ट जॉब जैसे लोगों का लेते हैं, हमें इंस्पायर करने के लिए कि देखो ऐसे भी भक्त होते हैं, भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है, और अगर तुम इसका 0.01% भी कर लोगे तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। वो तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं, हरे के हाथ नहीं करते, बल्कि उसके लिए तो बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं जिनका भगवान पर्सनली टेस्ट लेते हैं। हमारा तो ऐसा सौभाग्य भी नहीं है, है नहीं? सो क्या कहते हो आप लोग, अगर आपके घर में आग लग जाए और सब लॉस हो जाए तो फिर भी भक्ति करोगे? आप करोगे नहीं करोगे? है कितने लोग करेंगे? क्या कहते हो? हस्बैंड की डेथ हो जाए, बच्चे मर जाए, सड़क पे आ जाओ, आप नहीं करोगे? वो किसी में हिम्मत नहीं है वो करने की, नहीं अभी प्रिपेयर्ड नहीं है हम उसके लिए। मगर वो पॉसिबल है भगवान के नाम की शक्ति से। भगवान का नाम आपको ऐसे महान प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देगा कि आपको केवल भगवान से प्रेम हो जाएगा, किसी से प्रेम नहीं होगा। वो पॉसिबल है, वो हो जाएगा। और एक दिन, और उस टाइम आपको नहीं लगेगा ऐसा कि प्रॉब्लम है, उस टाइम आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, यस भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं एंड आई एम सो फॉर्चुनेट। वो डिफरेंट कॉन्शियसनेस है, वो अभी समझ नहीं सकते। पांडव और इन लोगों ने दिखाया कि भक्ति क्या होती है। शिला प्रभुपाद का बिजनेस चौपट हो गया, उनकी वाइफ छूट गई, उनके बच्चे छूट गए, हार्ट अटैक हो गया, बट प्रॉब्लम नहीं। तभी तो हम महान लोगों की, तभी तो महान लोगों क्या है, सेक्रीफाइस ही तो होती है महान लोगों की, तभी तो महान बनते हैं। मतलब हम इस लेवल की बात कर रहे हैं, और लोग क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, नाम लो तुम्हारा बिजनेस ही हो जाएगा। मतलब वो इस घटिया लेवल की प्रीचिंग चल रही है। शास्त्र क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, भगवान का प्रेम। मतलब कोई अगर इतना कर दे ना तो भगवान आपकी मुट्ठी में है, भगवान आपको छोड़ ही नहीं सकते। नहीं, आपने जिसके लिए इतना सह लिया वो आपको छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार भगवान आपके साथ संबंध बन गया फिर तो इटरनल हो गया, फिर तो कभी टूटेगा ही नहीं। वो इंसान से टूट जाता है ना। और अब देख लो क्या चल रहा है संसार में। मतलब ये शास्त्र ऑफर कर रहे हैं आपको प्रेम, और इतने इस लेवल की कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं भैया नाम गोलगप्पे खाओ और आपका बैंक अकाउंट। मतलब एब्सर्ड है ये। तभी तो शास्त्रों में लिखा है कि जो सेंट ऐसा प्रॉमिस करे
कि नाम लो तुम्हारा काम चल जाएगा, सुख शांति हो जाएगी, उसको गोली मार दो, उसको हैंग कर दो सीधा। राजा को चाहिए कि इसको फांसी लगा दे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो मतलब आपने क्या किया है, आपने मतलब आपको कोई हीरे ऑफर कर रहा है, आपने उसकी जगह उसको विष्टा ऑफर कर दी, हीरे अपने पास रख लिए। दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग। इसलिए साधुओं को बहुत क्रोध आता है जब वो ऐसे लोगों को देखते हैं। तो प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था। ऐसी कथाएं तो होती रहती है ना सब जगह, कुछ नहीं बताते, बस ये मंत्र कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, पीस मिल जाएगा, खुश हो जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बेचारा, वो तो अच्छे फेथ में आता है, कोई लोग गंदे थोड़े ना होते हैं, अच्छे फेथ में आते हैं, उनको कन्फ्यूज कर देते हैं लोग। कहाँ भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम मुझे ले सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, इतना बड़ा प्रॉमिस, और यहाँ पे लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था। प्रभुपाद अपने लेक्चर में सीधा बैंड बजाते थे। तो प्रभुपाद की बुक्स में लिखा है रास्कल, कैट्स एंड डॉग्स, लिखा नहीं है, क्यों लिखा है? लोग कहते हैं यार ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साधुओं को बहुत दुख होता है कि इनोसेंट लोगों को कन्फ्यूज किया जा रहा है। मतलब कहाँ हमें अमृत मिल प्रॉमिस किया जा रहा है और वो नाली का पानी दे रहे हैं, और लोग कन्फ्यूज होते जा रहे हैं। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान जो कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, परफेक्ट। और पता है, वैसे जॉब की स्टोरी मैंने बताई थी ना, ऐसे नहीं कि जॉब इतना वो हो गया तो दुखी है, दुखी नहीं है उस टाइम, उनको हैप्पीनेस, उनको आनंद आ रहा होता है, वो कॉन्शियसनेस अलग है, होता है नहीं होता, इट्स अ डिफरेंट कॉन्शियसनेस, मतलब आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे, उसमें उनको हैप्पीनेस मिल रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारे तो उसको मजा आ रहा है, खराब लग रहा है, क्या कहते हैं, मजा आ रहा होता है नहीं? किसी को बच्चा आएगा, ये आंटी अंकल को थप्पड़ मार रही है, कितनी गंदी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर एक्चुअली उस बॉयफ्रेंड को बहुत मजा आ रहा है, एक और मार दे थप्पड़, एक और, वो पिटता रहेगा, वो कहेगा तो फिर तू मुझे मारती नहीं। ऐसा होता है, दिस इज अ, वो उसी को समझ आएगा जिसको प्रेम है, इसको लव नहीं है। अगर नॉलेज है समझोगे तो नहीं आ सकता है। सो जब डिवोटी सफर कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत मजा आ रहा होता है। अगर वो रियल सेंस में डिवोटी, अगर उसको कनेक्शन, जैसे जॉब का कनेक्शन था भगवान से, जब उसको सफरिंग मिल रही थी ना, उसको पता था कि ये सफरिंग भगवान मुझे दे रहे हैं, ही न्यू कि भगवान कुछ कर रहे हैं मेरे साथ और परफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो अंदर बहुत खुश था, कन्विंस था ना वो। सो उसको प्रेम था, इसलिए भगवान कर रहे थे। भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देते, कभी नहीं देंगे, तभी तो भगवान आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप दुखी हो जाओगे। सो अभी तो चलो ठीक है, चैंटिंग करो, प्रसाद लो, अच्छे चलते रहो, तो आपको अच्छा सुख मिल रहा है। मगर जब सिचुएशन में आ जाओगे तो आप खुद ही डिमांड करोगे भगवान से, ऐसे जैसे बॉयफ्रेंड बोलते हैं मुझे थप्पड़ मार, या कभी कभी बॉयफ्रेंड बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड को कि तू मुझे गाली दे, मजा, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, आपको पता है, नहीं पता मतलब, मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा, दैट्स ऑल इन स्क्रिप्चर्स, ये मुझे इसलिए पता है, ये शास्त्रों में सब दिया है, शास्त्र से कुछ चीज़ नहीं छुपी है, उसको बड़ा मजा आता है। सो डिवोटी डिमांड करता है, कृष्णा मुझे सफरिंग्स आए, क्योंकि जब भगवान सफरिंग्स दे रहे थे ना डिवोटी को, इससे प्रेम होता है। तो डिवोटी को पता है कि भगवान एक्चुअली स्पेशली उसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं ना, अटेंशन उस पर आ रही है ना। वैसे तो चलो सबके बारे में नेचुरली, जैसे टीचर सबके क्लास दे रही है, ठीक है चल रहा है, टीचर अगर किसको पनिशमेंट देगी तो इसका मतलब उसी के बारे में सोच रही है, चल तू इधर आ, तो सबसे अटेंशन हट गई उस पर आ गई। सो डिवोटी को पता, जब पनिशमेंट मिल रही है तो सारी अटेंशन मुझ पर है और किसी पर नहीं है। और लाइफ का एम यही तो है कि भगवान की अटेंशन हम पे आ जाए, वो अच्छी तरह है बुरी तरह है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम पे आ जाए अटेंशन एक बार, क्योंकि भगवान की बुरी अटेंशन भी हमारे कल्याणकारी है, अगर है भी बुरी, ऐसे तो नहीं होती। इसको कहते हैं प्रेम, ये प्रेम है। इसलिए प्रेम की भाषा समझना, तो जो भैया जो भक्ति में उसी को समझ आएगा, ऑर्डनरी आदमी को तो पल्ले नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण को सुपंडित कहते हैं, भगवान के डिवोटीज भी सुपंडित बन जाते हैं, वो भगवान से प्रेम प्रेम हो जाता है, और ऐसे डिवोटीज को फिर भगवान कभी नहीं छोड़ते।
और हमेशा अपने धाम में हमेशा अपने धाम में ले जाते हैं. सो दैट इज सू पंडिता. सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट मोर क्वालिटीज. हरे कृष्णा. कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? आई विल स्टॉप है. कोई कोई बता रहा है? सब कोई बताता है? कोई सपने में भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि किसी को लेना देना ही नहीं. लोगों ने मंत्र करो, ये कर लो, वो कर लो, बस हो जाएगा काम. मतलब कोई नॉलेज नहीं है किसी को, कोई बताना भी नहीं है. और अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम बताते तो कोई सुनता भी नहीं. प्रॉब्लम ही है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि वो कहते हैं यार ये अपनी बोल रहे हैं, वो अपनी बोल रहे हैं, कौन सुनेगा. ऐसे ही हम एक पंडित के पास गए थे, वो बहुत बीमार थे. जिन्होंने बोला एक महीने में आप मर जाओगे. गए हम 18 सेक्टर नोएडा. उन्होंने बोला हाँ है कष्ट बहुत ज्यादा, आप मंदिर बना रहा हूँ उसका लैंटर डलवा दो लोहा तो ठीक हो, नहीं मरोगे. अच्छा. और मैंने कहा अरे ऐसे ऐसे हो जाऊंगा होता है मैं ठीक हो जाऊंगी. हाँ पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. मैंने अपना भगवान को मतलब बोला या मतलब जो भी भगवान ने मेरी हेल्प करी, आज 8-9 साल पहले की बात है. तो ऐसे ही है सब ढोंगी है, सब ढोंगी है ना, वो कोई मतलब नहीं है. सो वेल, कृष्णा के बारे में पढ़ने से सारी नॉलेज अपने आप आ जाती है. सी इफ यू मेडिटेट ऑन कृष्णा, अगर आप अच्छे व्यक्ति पे ध्यान लगाओगे ना तो आप भी अच्छे बन जाओगे. ऐसे ही है ना, कृष्णा तो सुप्रीमली अच्छे हैं, तो उनके बारे में पढ़ते पढ़ते आप भी अच्छे बन जाओगे. सी ये क्वालिटीज भगवान में है सारी, और उस पर ध्यान करते 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 आप में भी क्वालिटीज आ जाएंगी. ऐसी है ना, आप गंदे आदमी पर ध्यान करोगे आप में गंदी क्वालिटीज आ जाएंगी. तभी कृष्णा कह रहे हैं मेरे बारे में डिस्कस करो. और हमारा सौभाग्य है कि भगवान के भगवान ने लीलाएं भी कर दी, तो डिस्कस करते 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 हम भी वैसे बन जाएंगे. जैसे डिवोटी डिवोटी भगवान के लिए अपने जान दे सकता है, भगवान भी अपने डिवोटी के लिए जान दे देते हैं. अपनी प्रतिष्ठा रिस्क पे लगा देते हैं भगवान. भगवान ने अर्जुन अर्जुन के चैरिटर नहीं बने, बने नहीं बने. और मतलब जब तो जब रात से यज्ञ होता था तो भगवान जूते उठा रहे थे. सो भगवान ने अपनी प्रेस्टिज रिस्क पे लगा दी, लोग क्या कहेंगे. क्योंकि क्योंकि भगवान को पता है कि जब भक्तों ने मेरे लिए त्याग किया है तो मैं भी क्यों पीछे रहूं. और भक्त ये भक्त ये भक्त त्याग की भावना किससे सीखते हैं? भगवान से तो सीखते हैं. और क्या जब भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा नहीं कर सकते क्या? सो अपने आप डिवोटी अच्छा बन जाता है. नेचुरली एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ता. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेमिनार में जा रहे हो और बोल रहे हैं भाई देखो, ट्रेन करते हैं ना, अच्छा बोलो, प्लीजिंग बोलो, ये मत करो, वो मत करो, और कोई कुछ कर तो पाता नहीं है. और भगवान के बारे में पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली सारी अच्छी गुण आ जाएंगे, नाम लेंगे. बस आपको डिस्कस करना है भगवान के बारे में, कुछ नहीं करना. तभी तो मैं कह रहा था आप क्वालिटीज क्या, आप देख रहे हो आप क्या क्वालिटीज है. आप लोग क्या क्वालिटीज बोल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना क्या क्वालिटीज बोल रहे थे. वो ये है, वो है, वो ये क्वालिटीज हैं. सो नेक्टर ऑफ डिवोशन आप पढ़ो, दैट्स अ वेरी नाइस बुक. ये रोज पढ़ो बुक, मतलब बून है हमारे लिए. रोज पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, आप भी कृष्णा जैसे बन जाओगे. कृष्णा जैसे मतलब कृष्णा नहीं, लाइक फादर लाइक सन. सुना है? बस और क्या चाहिए, और चाहिए क्या? लाइफ परफेक्ट हो गया और क्या चाहिए. है नहीं, आपको अच्छे ही बनना है ना, अच्छे भी बन गए. आपको भगवान से कनेक्शन चाहिए, वो भी हो गया. आपको हैप्पीनेस चाहिए, वो भी हो गया. इसलिए कृष्णा कह रहे मुझसे जोड़ोगे सब कुछ मिलेगा. अपनी कैलकुलेशन करते रहोगे तो फिर ना वो मिलेगा ना मैं मिलूंगा. हरे कृष्णा. शीला प्रभुपाद की जय.